बिहार में चौपट होती शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना है तो पहला शर्त है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षक हों। हमारे क्षेत्र में भी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब जब आप दबाइएगा सौ सौ को काली तैयार होंगे और विज्ञप्ति हम लेके रहेंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। देखिए, सीटेड और बीटेड क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं आज शिक्षक दिवस के दिन आज उग्र हो चुके हैं अपने विज्ञप्ति को लेकर गांधी मैदान में। यहां पे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी उतर चुके हैं, उग्र हो चुके हैं। आइए, इनके समर्थन में मनोज मंजिल जी उतर गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। टीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप इनके समर्थन में आज उतर गए हैं, शिक्षक दिवस पे आज है और ये लोग स्कूल के जगह पे आज रोड पे हैं, क्या कहेंगे? असली में शिक्षक दिवस का फॉलो यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षक दिवस कैसे मनेगा? विधान है, स्कूल्स है बिना शिक्षक के विधान पड़ी है। बिहार में चौपट होती शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना है तो पहला शर्त है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षक हों। हमारे क्षेत्र में भी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। आज मैं एक स्कूल विजिट करने गया था, आरा में नेत्रहीन विद्यालय जो महीनों से बंद पड़े हैं, जिसके बच्चे बैंक में, रेलवे में, स्कूलों में गए हैं पढ़ लिख करके, आज वो विद्यालय महीनों से बंद पड़े हैं, क्योंकि एकमात्र कारण वहाँ पे शिक्षक नहीं है। तो ये बातें जिस तरीके से आप कर रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है विद्यालय में, तो ये बातें शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं समझ में आती है? इसके पहले भी आप शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे, इसके पहले भी हम आपका बाइट लिए थे। बात थी, मैंने कहा शिष्टाचार भेंट। अच्छा, भेंट हुई थी विधानसभा। तो आपने कहा था कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए डिस्कशन किया था, तो कोई डेट वगैरह पर बात नहीं थी, तो मैंने कोई डेट वगैरह के बारे में लिखा नहीं। लेकिन 8 सितंबर को मैं उनसे अपॉइंटमेंट लूँगा और इनकी आवाज़ को रखेंगे, क्योंकि हम लोग सपोर्टी हैं, बाहर से सपोर्ट किए हैं, तो हम लोगों का सरकार पर अधिकार है और एमएलए होने के नाते, आरवाईए के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते हमारा ये ड्यूटी है। हमारा भी इन नौजवानों के साथ कमिटमेंट है, नौजवान भाई बहनों के साथ हमारा भी कमिटमेंट है, प्रॉमिस है कि आपकी आवाज़ को हम लोग उठाएँगे और शिक्षक बहाली बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। शिक्षक के बिना सरकार का जो स्कूल चल रहा है, केवल एक क्लास से दूसरे क्लास में बच्चे जा रहे हैं बिना नॉलेज के, बिना पढ़ाई के। आप लोग आज सर पे काला पट्टी बांध कर आज स्कूल में रहना चाहिए, आप लोग शिक्षक दिवस के दिन ही क्यों उग्र आंदोलन कर रहे हैं? सर ने कहा है कि ये बहुत सरकार की विनम्रता है और कुर्ता भी कह सकते हैं कि हम लोग जो विद्यालय में रहने वाले स्टूडेंट मतलब शिक्षक हैं, वो आज गांधी मैदान के इस पावन धरती पर बैठे हुए हैं। और आज नहीं, 22 तारीख को जो उग्र प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठी जो बिछाया था उसको सरकार ने समझा कि ये सब शांत हो गया। नहीं, मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब जब आप दबाइएगा सौ सौ को काली तैयार होंगे और विज्ञप्ति हम लेकर रहेंगे। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सीटेड बीटेड क्वालिफाइड अभ्यर्थी है वो उग्र हो गए हैं। सारे अभ्यर्थियों का एक ही कहना है कि हम लोगों को जो है जल्द से जल्द विज्ञप्ति मिलना चाहिए, आज शिक्षक दिवस के दिन भी स्कूल में इन लोगों को रहना चाहिए। तो ये लोग आज यहाँ पे गांधी मैदान में यहाँ पे उग्र आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार अपना हक के लेकर यहाँ पे कई नियम अपना रहे हैं, लेकिन जो ये सरकार है गूंगी बहरी, ये सुनने को नाम नहीं ले रही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीडी न्यूज़। धन्यवाद।